हेलो दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला जितना अच्छे से अपना ख्याल रखती हैं उतना ही अच्छा उनका शिशु पैदा होता है। गर्भ में शिशु का विकास पूरी तरीके से माँ के डाइट पे निर्भर करता है। इसी वजह से मैं हर एक कुछ के बारे में आप लोगों से बातचीत करती हूँ और जो आपके लिए, आपके गर्भ के लिए अच्छा है वही मैं हमेशा बताती हूँ। आज मैं बात करूँगी मखाना खाने की। मखाना गर्भावस्था के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है, डिलीवरी के बाद भी इसके फायदे आपको मिलेंगे। तो क्या क्या फायदे होते हैं प्रेग्नेंट महिला के लिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार मखाना का सेवन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसके नियमित सेवन से आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। मखाना को फूल मखाना भी कहते हैं, कमल के बीज के नाम से भी जाना जाता है। मखाने में फाइबर, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो एक प्रेग्नेंट महिला के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये लाभदायक सप्लीमेंट है आपके लिए। तो क्या क्या आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रेग्नेंट महिला के गर्भ में पल रहे शिशु को सामान्य रूप से विकसित होने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इसलिए फलों और अन्य स्वास्थ्यवर्धक आहार के साथ उन्हें मखाना का सेवन जरूर करना चाहिए। मखाना में मौजूद आवश्यक पोषक तत्व माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मखाना में अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ फाइबर भी खूब पाया जाता है, जो कब्ज दूर करने के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को अक्सर कब्ज की समस्या हो जाती है, जिसे बचने के लिए वो अपने डाइट में मखाना को शामिल कर सकती हैं। मखाना को दूध में उबालकर, सलाद में मिलाकर या फ्राई करके खाया जा सकता है। दोस्तों, प्रसव के दर्द को कम करने के लिए भी मखाने का सेवन जरूरी है, क्योंकि प्रसव के पहले और प्रसव के बाद भी मखाना खाने से प्रेग्नेंट महिला को तो दर्द से राहत मिलती ही है, बाद में भी उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि गर्भावस्था में भी जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ में दर्द, सब जगह दर्द रहता है और डिलीवरी के बाद भी जल्दी ठीक नहीं होता। तो डिलीवरी के बाद भी आपको मखाने का सेवन करना है और इसके पहले भी आपको इसका सेवन करना है। मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा रक्तस्राव नहीं होता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा रक्तस्राव होता है उनको अपने डाइट में मखाने का सेवन जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, पेट में पल रहे शिशु के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, दर्द को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी मखाने का सेवन जरूर करेंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत आगे जाके नहीं हो, क्योंकि इसमें वो सारे पोषक तत्व होते हैं, वो सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो एक प्रेग्नेंट महिला के लिए एक प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी होता है। तो मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।